हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंडिया में ये लॉन्च हो चुका है। प्राइस की बात करें तो 65,000 के आसपास इसका प्राइस है। पर हम इसको क्यों अनबॉक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें खेलनी है फोर्टनाइट। तो आपको पता ही होगा कि फोर्टनाइट जो है सैमसंग के बड़े बड़े फोनों में आ चुकी है और नोट 9 पर तो वो एक्सक्लूसिव है। तो खैर हम इसे खेल के देखेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं इस फोन में क्या क्या खास मिलता है, यानी कि स्पेसिफिकेशन। चलिए दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो इंडिया में जो यूनिट लॉन्च होगी उसके अंदर हमें मिलने वाला है Exynos 9810, पर जो यूएस वाला वर्जन है उन्हें मिलेगा Snapdragon 845। ये ना इंसाफी हमारे साथ क्यों की जा रही है, सैमसंग मुझे बताएगा कोई। और रैम की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट आने वाले हैं, जो कि है एक 6GB वाला और एक है 8GB वाला। एक में हमें मिलेगी 128GB और दूसरे में मिलेगी 512GB। ओके, तो स्क्रीन की बात करते हैं, 6.4 इंच की सुपर एमोलेड क्वाड HD+ डिस्प्ले में दी गई है। और दोस्तों कैमरा जो रियर है वो है 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस इसमें मिलता है। फ्रंट की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि पोर्ट्रेट और बोका इफेक्ट के साथ आपको अच्छी फोटो देता है। बैटरी जो है 4000 mAh के आसपास मिलती है हमें। उसके अलावा फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनर और वायरलेस चार्जिंग और IP68 यानी पानी में भी डुबाओ इसको। उसके बाद मैं बात करूं खास फीचर की, तो एस पेन जो है वो अब रिमोट से भी चलता है। और वर्जन की बात करें, सॉफ्टवेयर वर्जन जो इसमें आएगा वो आएगा एंड्रॉइड ओरियो। तो चलिए जल्दी से डब्बे को खोलते हैं, मैंने यहां पे उसको ऊपर से निकाल दिया है। और यहां पर हमें मिलता है ये मेन बॉक्स, इंडियन सिम कार्ड ओनली, कोई बात नहीं, हम वही सिम कार्ड इसमें डालेंगे। चलिए डब्बे को खोलते हैं। ओके, सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 चलिए ओपन कर लेते हैं। फोन को अभी रखेंगे साइड में, देखेंगे हमें क्या क्या खास मिलता है। ओके, तो यहां पर क्या क्या है। सबसे पहले मिल जाता है हमें एक फास्ट चार्जर, एडेप्टिव फास्ट चार्जर। उसके अलावा एक यूएसबी कनेक्टर अपनी पेन ड्राइव को लगाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर लगने वाली है सी टाइप यूएसबी, कोई बात नहीं। यहां पर आप देखते हैं काफी अच्छी क्वालिटी हमें जो है केबल मिल जाती है। उसके अलावा 1G के एयरफोन, जो कोई बताया जाता है कि $100 से ऊपर के आते हैं और इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। ओके, थैंक यू सैमसंग इसे देने के लिए। उसके अलावा थोड़े से बर्ड्स अगर खो जाए तो अपने एयरफोन पर लगाने के लिए, क्योंकि हमारे एयरफोन जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है। उसके अलावा डब्बे में कुछ नहीं है। दोस्तों अगर बात करूं स्क्रीन की, तो काफी बड़ी स्क्रीन है, 6.4 सुपर एमोलेड जो इसमें दी गई है वही इसका मेन फीचर है। काफी कमाल की स्क्रीन है दोस्तों। इसकी बैक की बात करें तो पूरा का पूरा बैक ग्लास में आता है और फिंगरप्रिंट सेंसर को चेंज किया गया है। नोट 8 में जो सेंसर है वो साइड में दिया गया था, पर यहां पर उसकी प्लेसमेंट को चेंज किया गया है। और आगे की तरफ आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ काफी सारे सेंसर जो है वो यहां पर दिए गए हैं। पीछे की तरफ ये हमारे दोनों कैमरे, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की फोटो लेने का दावा करते हैं दोस्तों। खैर वो तो बाद में ही पता चलेगा, हम फोटो लेंगे। ऊपर की तरफ देख सकते हैं सिम को डालने के लिए यहां पे जो है स्पेस बना हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं बिक्सबी के लिए बटन है और साथ में वॉल्यूम रॉकर है। उसके अलावा यहां पर पावर बटन हमें यहां पर मिल जाता है दोस्तों। उसके अलावा नीचे की तरफ देख सकते हैं 3.5mm जैक, उसके बाद सी टाइप पोर्ट और हमारा जो स्पीकर है और साथ में एस पेन के लिए यहां पे जगह दी गई है दोस्तों। चलिए जल्दी से एस फोन को निकालते हैं, काफी हाईलाइट किया सैमसंग ने इसको और यहां पे हमने इसको निकाल दिया दोस्तों। ये रिमोट से भी चलता है, सेल्फी लेनी है नो प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, मुझे तो बचपन की याद आ गई, पेन टिकटॉक करने वाला पेन, काफी महंगा है पर ये दोस्तों देख सकते हो काफी कमाल का पेन है। खैर काफी सारी चीजें इससे की जाती है, पर रिमोट से इसको क्यों यूज करूंगा मैं, खैर कर सकते हैं जिसको करना है। ओके, तो यहां पे मैंने फोन को बूट कर दिया है और दोस्तों यहां पर हमारा फोन चालू हो चुका है। इसकी स्क्रीन जो है वो कमाल की है दोस्तों। फर्स्ट इंप्रेशन आपको बताऊं, बहुत ही कमाल के कलर्स इसके अंदर आ रहे हैं, बहुत ही प्यारी स्क्रीन है। और जो आइकन्स है वो ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल फोन से बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से लग रहा है। और क्वालिटी की तारीफ करनी होगी दोस्तों, काफी सारे फीचर्स इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। खैर यहां पर आप देखते हैं आइकन काफी अच्छे लग रहे हैं, मैंने थोड़ा सा फोन को यूज किया, काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों फोन। यहां पर कैमरा की बात करें दोस्तों, यहां पे पिक आपको यहां पर लेके दिखाता हूं। ओके, तो यहां पे मैंने स्पिनर को ले लिया है और इसकी पिक हम लेने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कैसी है कैमरे की क्वालिटी। तो यहां पे पिक तो बड़ी कमाल की आई है, चलिए जूम करते हैं। ओ माय गॉड, काफी अच्छे कलर आते हैं, रियलिस्टिक कलर आ रहे हैं और पिक्सल बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं जो फोटो है वो काफी ज्यादा कमाल की यहां पर आई है। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी वीडियो हम इस पर चला के देखते हैं, देखते हैं किस तरह की क्वालिटी आती है दोस्तों। काफी अच्छे कलर आ रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं गॉड ऑफ वार की ये वीडियो चल रही है, काफी अच्छे कलर्स मैं कहूंगा कि इसके आ रहे हैं यहाँ पर। और देखने में, वीडियो देखने में, मूवीज देखने में तो खैर मजा ही आ जाएगा इस फोन के अंदर। चलिए मेन मुद्दे की बात पर आते हैं, जो कि है फोर्टनाइट। चलिए लॉन्च करके देखते हैं पहली बार। खैर मैंने iOS पे तो खेला है, पर एंड्रॉइड में पहली बार है ये, पहली बार है फोर्टनाइट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। ओके, तो ये थोड़े बहुत ऑप्शन है हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे अगर आप। ओके, तो यहाँ पर ठीक है सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, गॉट इट ठीक है। ओके, ये भी कर लेते हैं, लॉबी में आ गए हम। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आईडी मेरी नहीं है दोस्तों, मेरी आईडी दूसरी है, मनोज मेरा 61, आपको पता ही होगा ना यार। कर सकते हो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो चलिए प्ले करके देखते हैं। पर इस आईडी पर मत करना, मेरी नहीं है, करके तुम मुझे बोलोगे मैंने तुम्हें जवाब क्यों नहीं दिया यार। चलिए हम आ चुके हैं गेम में, मेन मुद्दे की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ चल रही है गेम। खैर पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा फ़ोन हीट कर रहा है,
पर इसमें तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है, फिर भी मेरा फोन हीट क्यों कर रहा है? तो साथ मुझे लग रहा है कि जैसे फोन मेरा थोड़ा सा हीट हो रहा है। खैर सैमसंग ने कहा कि इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम है और हम गेम खेलते हैं तो हीट नहीं होता है, पर मेरे हाथ जल रहे हैं, बर्निंग माई हैंड्स। खैर हो सकता है, खैर फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ तो इसलिए हो कि मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करी हैं, शायद इस वजह से ऐसा हो। चलिए कहाँ चलना है दोस्तों, ग्राफिक्स की बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ कि और ज़्यादा अच्छे हो सकते जिस हिसाब का फ़ोन है, पर खैर मे बी शायद आगे अपडेट आए तो खैर और ज़्यादा अच्छा गेम हो, थोड़े से ग्राफिक क्वालिटी की थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, चलिए जंप लगाते हैं। मेरे पीछे भी चल रही है फोर्टनाइट, मेरे फ़ोन में भी चल रही है फोर्टनाइट, क्या नज़ारा है, कब से इस नज़ारे का इंतज़ार था मुझे। खैर अब वो चीज़ हो चुकी है दोस्तों, मैं कहूँगा गेम तो खैर स्मूथ है पर ना जाने कुछ फील नहीं आ रही, शायद कि मैं पीसी पे ज़्यादा खेल रहा हूँ आजकल, जहाँ कंसोल से खेलता हूँ शायद इसलिए फील नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा। पर खैर मानना होगा कि फ़ोन के ऊपर जो गेम रन हो रही है काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो रही है। खैर सीखना पड़ेगा, कंट्रोल जो है सीखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं साथ साथ चलती हैं इस पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फोर्टनाइट जल्दी ही सारे एंड्रॉइड डिवाइसेज पर अवेलेबल होने वाली है, अभी काफ़ी फ़ोनों में ये बीटा मोड में चल रही है, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है। मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा जब आप सब लोगों के लिए भी ये अवेलेबल होगी, आप सब लोग इस गेम को खेल पाएंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों जल्दी ही जब वो दिन आएगा आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो खैर अगर आपको पसंद आया हो ये फोन तो आप जाके खरीद सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों खैर आज की वीडियो बस यहीं तक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपका सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।